सब आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है यहाँ पे, क्या कहना है आपको? ये हम मैं डॉक्टर एस कुमार हुआ, मैं आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं जिप क्लिनिक एक स्टार्टअप जो इंस्टेंट टेस्ट की फर्स्ट स्मार्ट क्लिनिक ऑन ए बाइसिकल उसका फाउंडर भी हूँ। और ये हमने सोसाइटी में जागरूकता फैलाने के लिए आज रक्त शिविर रक्तदान का शिविर आयोजित किया है रोटरी क्लब के सहयोग से, और हमारे सोसाइटी में रहते हैं साकेत मिश्रा जी, उनके सहयोग से। तो ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सा मिथ है कि खून किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बहुत लोग घबराते हैं इसके बारे में। तो उसके बारे में मैं कुछ तथ्य रखना चाहूँगा कि हमारे देश में, भारत में जो जो डिमांड है ब्लड यूनिट की, दैट इज़ अराउंड 15 मिलियन यूनिट्स एक साल में हमें चाहिए, और हम जो कलेक्ट करते हैं, जो डेटा है अभी हमारे पास, वो अराउंड 11 मिलियन यूनिट्स ही कलेक्ट कर पाते हैं, मतलब 4 मिलियन यूनिट की शॉर्टेज चलती है। और हर, आप समझो कि हर 3 सेकेंड में किसी को ब्लड रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण मौत होती है। तो ब्लड डोनेशन से ऐसा नहीं है कि एक बार हम खून दे देते फिर कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा जो खून है, हमारे इसलिए भी देना चाहिए कि हम एक तरह से अपने आप को रिसाइकिल कर रहे हैं। जो हम पुराना खून दे के हमारे अंदर नया नया ताज़ा खून बनता है, वो जो 4 से 6 हफ्ते में ही बन जाता है, जिसके कारण हमारी जो है रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। इसके कारण ये भी देखा गया कि कैंसर जैसी समस्या या हार्ट अटैक, इसकी भी जो दरें होती वो कम पाई गई हैं रिसर्च में, ऐसा भी देखा गया, जो लोग हम टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते हैं। और यही कहना चाहूँगा तो हमारे कि ये आज हमारी स्मर्लिन सोसाइटी में हमने आयोजित किया, अगले हफ्ते फिर हमारा एक दूसरी सोसाइटी में आयोजन करने का प्लान है। मतलब हम ऐसे चाहते हैं कि इसकी जागरूकता फैले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, ताकि जो जीवन दान है, जीवन है, वो उसको हम बचा सके। अभी आपने बोला कि हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर किसी को कोई बीमारी हो, हाँ उसमें भी मैं बोलना चाहूँगा, हाँ बीमारी में ब्लड नहीं, नहीं हर कोई, मतलब कहने का मतलब जिसको कोई ऐसा नहीं है ब्लड डोन, आप ऐसा भी समझोगे कि आप रक्त दान दे रहे हो तो आप एक प्रिविलेज्ड हो, आप लिमिटेड एडिशन हो एक तरह से, क्योंकि अगर हम तथ्यों की बात करें डेटा की, तो ओनली 38% कैन डोनेट ब्लड, क्योंकि किसी ना किसी को कोई बीमारी ऐसी होती है जो उस कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, जिसमें हम नहीं दे सकते हैं। जो अगर कोई किसी को कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रक्त से फैल सकती है, हेपेटाइटिस हो गई, BEC, HIV, तो उसमें देखा गया कि 38% ही पॉपुलेशन है जो डोनेट कर सकती है। तो अगर आप रक्त दे रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप किसी का जीवन बचाने के लिए आपने योगदान किया। उस समय हम सिर्फ हीमोग्लोबिन देखते हैं और एज का भी हम देखते हैं, 18 साल से ऊपर और 65 साल के बीच में कोई भी दे सकता है। 350 मिलीग्राम किस एज में लेते हैं और 450 किस एज? ऐसा नहीं है, हम एक यूनिट में जो इंटरनेशनल वो हम 350 ml यूनिट ही लेते हैं एक बार में, ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा दे रहे हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट चलता है वो 350 ml चलता है, तो वो 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, 45 किलो से ऊपर उसका वजन होना चाहिए। मेले तो हम हीमोग्लोबिन ही चेक करते हैं ब्लड डोनेशन, जब कोई भी आता है कैंडिडेट, फीमेल हो या मेल हो, एक लेवल होता है पर्टिकुलर, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल उसके ऊपर है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो या उन चीजों में अवॉइड करना चाहिए डेफिनेटली, अगर प्रेगनेंसी नहीं, अगर प्रेगनेंसी है तो हम अवॉइड करेंगे ही, बिकॉज पहले ही वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो, प्लस बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी, इनफैक्ट आपको आयरन सप्लीमेंट्स उस टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो उस केस में हम मना करते हैं। या आपको अगर आप कोई डिजीज है या कुछ है जो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन रहते हैं तब बस मना होता है, अदरवाइज अगर आप फिट हैं, आप पर्टिकुलर एज ग्रुप में आते हैं, 18 साल के ऊपर हैं, 12 के ऊपर आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, आप डोनेट कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा हो और फीड कराते हैं उस अवस्था में भी करा सकते हैं? उस अवस्था में अगर बच्चा फिर भी अगर 1.5-2 साल की एज का है तो कर सकते हैं। कम उम्र में है तो जनरली अवॉइड करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसमें उस टाइम में होते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जिप क्लिनिक जैसे कि आपको बताया अभी डॉक्टर एस कुमार ने भी, ये इंडिया का एक स्टार्टअप है, ओनली स्टार्टअप है जहां हम स्मार्ट क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं बाईसाइकिल पे।
इसमें हम पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ECG डिवाइस है, ठीक है। तो अभी हमें ECG की वो बड़ी जो मशीन होती है, फुल मशीन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सब पॉइंट ऑफ डिवाइसेस यूज़ करके हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं ऑन द स्पॉट, पेशेंट के पास जाके। उनको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका टाइम भी सेव होता है, और हम बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे, एकदम किफ़ायती रेट्स पे ये सब लेके आए हैं सर्विसेज। तो ये टाइम भी पेशेंट का बचाता है, ये उनकी कॉस्ट भी बचाता है, प्लस हम साथ के साथ वीडियो कंसल्टेशन भी डॉक्टर से कराते हैं। हम रूरल एरियाज़ में भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग हैं आ नहीं सकते, जिनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हम उनके पास जाके। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है ये करने का, हेल्थ को प्रमोट करने का। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि मैंने ECG मशीन आपको दिखाया, ये हमारा जो है ये PFT है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो लंग की कोई भी जो प्रॉब्लम हो वो भी हम इससे असेस कर सकते हैं ये टेस्ट करके। लिपिड प्रोफाइल है, कोई ओबीज है, किसी का वेट ज़्यादा है, या किसी को हाइपरटेंशन रहता है, उन चीज़ों के लिए हम वो करते हैं। शुगर भी हम चेक कर सकते हैं, डायबिटीज स्क्रीनिंग जो हम करते हैं, HbA1c टेस्ट होता है शुगर के लिए, वो भी हम वहाँ कर सकते हैं। जिप क्लिनिक आपकी कहाँ-कहाँ पर ब्रांच है, कब से स्टार्ट हुआ? लगभग 1 साल हो गया है जिप क्लिनिक। तो गुड़गांव में हम बेस्ड हैं, बिहार में भी ब्रांच है इसकी, और अभी इंडिया से बाहर हम बांग्लादेश में एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अफ्रीका में हमारा लॉन्च करने का इसको प्लान है। गुड़गांव में सोना रोड। गुड़गांव के लोगों को यही संदेश है कि अगर उनको कोई भी हेल्थ टेस्ट कराना है, सबसे पहले तो हम बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा उनको हमारे पास नहीं आना है, हम उनके पास जाके टेस्ट कर देंगे, इंस्टेंट उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, डॉक्टर से वो कंसल्ट कर सकते हैं, साथ के साथ उनको वीडियो कंसल्टेशन मिल जाएगा, तो अंडर वन रूफ उनको सब कुछ मिल रहा है। हमारा रश्मि मिश्रा, एक्चुअली हमारे छोटे बेटे मोहित मिश्रा, जो कि खुद एक रोटेरियन थे और रोटरी क्लब के मेंबर थे, और वो समाज सेवा में लीन भी रहते थे, साथ ही उनका एक मकसद था कि ब्लड डोनेट करना या अंग दान करना एक सबसे बड़ा दान कहलाता है, इसलिए वो ब्लड डोनेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे जहाँ भी होता था वो वहाँ पे पहुँचते ज़रूर थे। आज उनकी स्मृति में, बिकॉज़ वो 44 साल की उम्र में हम लोगों को साथ नहीं है, तो उनकी स्मृति में उसके उस मिशन को या उनके उस कहे गए वादे को पूरा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं, और मन में ये लगता है कि हम उसके प्रति उनके शब्दों का आदर भाव रखते हैं। ये पहला कैंप है, 6 महीने पहले ही वो हम लोगों से जुदा होके गए हैं, तो इस वजह से समाज के लिए हमारे जैसे आपके जैसे जागरूक लोग आगे बढ़ें और रक्तदान करें, इससे ही सब लोगों को जोड़ सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आसपास के सारे सोसाइटी के लोग आएँ और यूनाइटेडली ब्लड डोनेशन के मुहिम में पार्ट बने, क्योंकि इससे एक तो लोगों के काम आ जाते हैं हम लोग, हमारा ब्लड भी प्योर होता है, और इससे हम लोग मिलते भी रहते हैं। हर साल हम ये एक्टिविटी करते हैं, और प्रेस जो हरियाणा की जो तहलका है ये भी हमें बहुत मोटिवेट करती है, हम जहाँ जहाँ जाएँ आपके साथ ही जाएँ और इसको प्रमोट करें, जिसके कारण आप जैसे जो लोग हैं, सजग लोग हैं, बादशाहपुर साहब से बात हुई, राकेश जी ने भी भेजा था, और सब लोग मिल के जो मुहिम कर रहे हैं, इससे सब लोग आगे बढ़ें और इस समाज के लिए कार्यरत रहें। धन्यवाद। क्या नाम मैडम आपका? रीना। अभी आप ब्लड डोनेट करने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फर्स्ट टाइम किया आपने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम किया। हाँ जी। उसके बाद में कुछ हल्का फील कर रही है? अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है। आपका नाम क्या? मेरा नाम राहुल चौधरी है। अभी आपका ब्लड चल रहा है? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, और ब्लड डोनेट मैं करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और जो कि मैं तो हर एक शख्स को देना चाहिए। हाँ, मैं हर 6-1 साल में ब्लड डोनेट करता हूँ, हर एक साल में। हाँ, हर एक साल में मेरा रूटीन एक्सरसाइज है। अच्छा फील करता हूँ, मज़ा आता है देने में, और शरीर भी अंदर से पूरा हो जाता है, पूरा खून फिर बनता है अच्छे तरीके से, तो मैं तो कहता हूँ सबको देना चाहिए ब्लड। ओके, थैंक यू। मेरा नाम परवीन है जी। बिल्कुल जी, मैंने ब्लड डोनेट किया है। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी सी फील होती है,
और मैं सभी से अपील करूंगा कि हर 6 महीने में कम से कम एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करने से जिन लोगों को ज़रूरत होती है तो सही लोगों तक ये पहुंच जाए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड देने के कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ये पूरा हो जाता है, और मैं कम से कम 15 से 20 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ।